हेलो गाइस, क्विक रिवीजन में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे क्लोजर ऑपरेशन पर कि क्या होता है क्लोजर ऑपरेशन। अक्सर हम लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं कि सर क्लोजर ऑपरेशन क्या होता है, क्या होना चाहिए। कई कई किताबों में डिफरेंट डेफिनेशन की वजह से भी हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो आइए बात करते हैं झटपट क्लोजर ऑपरेशन पर। ठीक है, क्लोजर ऑपरेशन अगर हम बात करें कि सर क्लोजर ऑपरेशन क्या होता है। अच्छा, एक और मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आप क्लोजर ऑपरेशन की वीडियो देख रहे हो तो उससे पहले आप बाइनरी ऑपरेशन देख लो एक बार, बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है, इस पर आपको प्लेलिस्ट में इसका वीडियो मिल जाएगा बाइनरी ऑपरेशन का, यहाँ पे आप जाके देख सकते हो। कह रहे हो हम क्यों देखें, क्योंकि क्लोजर ऑपरेशन में उस शब्द का मैं यूज करूंगा जो कि बाइनरी ऑपरेशन होगा। अगर आपको वो क्लियर नहीं है तो आपको थोड़ी सी उलझने हो सकती है। ठीक है, तो इससे पहले आप बाइनरी ऑपरेशन देख लो। ठीक है, चलिए आइए फटाक से हम लोग बात करते हैं क्लोजर ऑपरेशन को। मैं एक छोटी सी डेफिनेशन लिख रहा हूं। ठीक है, अ बाइनरी, अ बाइनरी ऑपरेशन स्टार, ठीक है, ऑन अ सेट इज सेट टू बी क्लोजर। हम क्लोजर कहेंगे किसी भी बाइनरी ऑपरेशन, ठीक, अगर किसी सेट से हो रहा है तो उसे हम क्लोजर कहेंगे। इफ यदि ए ऑपरेशन बी बिलोंग कर जाए उस सेट में। मैं सेट का नाम दे देता हूं, सेट का नाम आप ले लीजिए ए। ठीक है, मैंने सेट का नाम रख दिया ए। तो ए ऑपरेशन बी बिलोंग कर जाए ए में, जहां क्या सर, जहां ए और बी कहां से आ रहे हैं, ए और बी भी सेट ए से ही आ रहे हैं। ठीक है, एक मिनट सर, कहना क्या चाह रहे हो आप। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर मैंने कोई भी सेट ले लिया, मान लीजिए सेट ऑफ नेचुरल नंबर मैंने ले लिया 1 2 3 डैश डैश डैश, आप जानते हैं। ठीक है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर ले लिया और बाइनरी ऑपरेशन, कल को यहाँ कुछ भी हो सकता है, एडिशन भी हो सकता है, मल्टीप्लीकेशन भी हो सकता है, सब्ट्रैक्शन भी हो सकता है, डिविजन भी हो सकता है। ठीक है, तो मैंने कहा कि ए और बी कोई दो एलिमेंट है। ठीक है, जो सेट से आ रहा है, मैंने तो ले लीजिए यहां से कोई भी एलिमेंट, अपना मनचाहा ले लीजिए। क्या है सर आपका मनचाहा, मैंने कहा 4 प्लस 7। ठीक है, यहाँ बाइनरी ऑपरेशन क्या है, एडिशन। ओके, बाइनरी ऑपरेशन को यहाँ पे मैंने एडिशन का नाम दिया है। ठीक है, यहाँ पर तो दो एलिमेंट का सम क्या आएगा सर, यहाँ पे क्या आ रहा है, 11 आ रहा है। क्या 11 इसी में है, क्या इसी सेट में है? अगर ये इसी सेट में है तो क्लोजर ऑपरेशन एग्जिस्ट करेगा, तो क्लोजर ऑपरेशन एग्जिस्ट करेगा। क्लोजर ऑपरेशन ही यही कहता है कि आप किन्हीं भी दो एलिमेंट को उठाओ उस सेट से और उनका ऑपरेशन भी उसी सेट में होना चाहिए, उनका ऑपरेशन भी उसी सेट में होना चाहिए, तो वो आपका क्लोजर ऑपरेशन कहलाएगा। ठीक है, वो आपका क्लोजर ऑपरेशन कहलाएगा। ठीक, हाँ, ये थोड़ा सा डेफिनेशन मिलता जुलता है बाइनरी ऑपरेशन से। ठीक है, थोड़ा बहुत। ठीक है, क्या सर मल्टीप्लीकेशन, बिल्कुल, अगर कल को आपने एक ऑपरेशन मल्टीप्लीकेशन ले लिया तो भी ठीक, 5 into 2, ठीक, क्या आएगा, 10 आएगा, वो भी इसी सेट में बिलोंग करेगा। ठीक है, तो वो भी हमारा क्लोजर ऑपरेशन एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, अच्छा, अगर मैं सब्ट्रैक्शन ले लूं तो, सब्ट्रैक्शन आप कोई भी एलिमेंट ले लो, मैंने कहा 2 माइनस 5, अरे 2 भी नेचुरल नंबर से है और 5 भी नेचुरल नंबर का एलिमेंट है। ऑपरेशन मैंने क्या ले रखा है, माइनस ले रखा है, सब्ट्रैक्शन ले रखा है, कितना आएगा, -3। क्या -3 इसमें बिलोंग कर रहा है, नहीं, -3 नेचुरल नंबर में बिलोंग नहीं कर रहा है, तो क्या होगा, इट डज नॉट क्लोजर ऑपरेशन, ये क्लोजर ऑपरेशन को एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, इट डज नॉट सेटिस्फाई लिख लीजिए, ज्यादा सही है। ठीक है, सेटिस्फाई, यहां इट डज नॉट सेटिस्फाई क्लोजर ऑपरेशन। ठीक है, यहां पर तो मतलब कि सब्ट्रैक्शन आप देख रहे हो कि नेचुरल नंबर से यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। ठीक है, तो सर और कौन से नंबर होंगे, होल नंबर नहीं सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, हाँ, अगर मैंने यहाँ पे इंटीजर ले रखा है, आई क्या है, कोई भी इंटीजर है, -2 -1 0 1 2, इसी तरीके से हमारे पास कोई भी इंटीजर है। ठीक है, और मैंने कोई भी इसका एलिमेंट ले लिया, मैंने कहा -1 और माइनस का -3, या चलिए 3 लेता हूँ। ठीक, 3 ले लिया, कितना आएगा, -4 आएगा, वो इसमें बिलोंग करेगा, हाँ बिलोंग करेगा,
इसका मतलब कि सेट ऑफ इंटीजर से सब्ट्रैक्शन का क्लोजर ऑपरेशन एग्जिस्ट कर रहा है, बट नेचुरल नंबर के साथ सब्ट्रैक्शन में क्लोजर ऑपरेशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, ठीक है, सिर्फ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन से ही हो रहा है, ठीक है। तो चलिए हम लोग कंक्लूड करते हैं पूरे सेमिनार को कि क्लोजर ऑपरेशन क्या होता है, कि कोई भी दो एलिमेंट को उठाएं और उन दो एलिमेंट का ऑपरेशन भी उसी सेट में होना चाहिए, अगर ऐसा होता है तो वो क्लोजर ऑपरेशन हमारा कहलाएगा। आई होप गाइस आपको समझ में आया। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ।